नमस्कार, डेली एडिटोरियल एनालिसिस से संबंधित आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस एडिटोरियल को लिया है वह एडिटोरियल लिया गया है द हिंदू न्यूज़पेपर से और इस एडिटोरियल का शीर्षक है ए नॉन स्टार्टर। और यह एडिटोरियल काफी महत्वपूर्ण है जीएस पेपर 2 में पॉलिटिक्स के लिए और पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग। अब देखिए इसमें क्या है कि ऑल इंडिया सर्विसेज फॉर जजेस मे नॉट इंश्योर हायर डाइवर्सिटी। तो ये फोकस किस पर है? ये फोकस्ड है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज पे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्होंने सुझाव दिया कि एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए। क्यों? इसलिए ताकि ना केवल न्यायाधीश की संख्या बढ़े बल्कि न्यायपालिका में विविधता आए और साथ ही साथ विभिन्न पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली युवाओं के द्वारा न्यायिक सेवा में अपनी सेवा दी जाए। तो फिर से वो बहस पुनर्जीवित हो जाती है। बहस किस बात की? बहस इस बात की कि क्या अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की जरूरत है या जरूरत नहीं है। अब देखिए यह जरूरी, जिस अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की हम यहां पर बात कर रहे हैं तो यह जरूरत है जिला न्यायाधीश के स्तर पर। और इससे पहले भी इस पर कई दफा इस पर विचार आ चुका है और वर्षों से केंद्र सरकार में आधिकारिक नीति का यह एक प्रमुख हिस्सा रहा है। लेकिन केंद्रीय कानून मंत्री ने पिछले साल राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए यह बताया कि प्रस्ताव पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है और केवल 2 उच्च न्यायालय इस विचार से सहमत हैं कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जाए, जबकि 13 उच्च न्यायालय इसके विरुद्ध है। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या न्यायपालिका में विविधता को लाने के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज यह रामबाण हो सकता है? तो यह एडिटोरियल यह कहता है कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अब देखिए मौजूदा अगर व्यवस्था की बात करें तो न्यायिक सेवा में भर्ती की अगर हम प्रक्रिया को देखें तो संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से जिला न्यायाधीशों और लोक सेवा आयोगों के माध्यम से अन्य अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों की भर्ती की जाती है और इसी के अंतर्गत अभी राज्य स्तर पर अधीनस्थ न्यायालयों में भर्ती की जाती है न्यायाधीशों की। और संपादकीय के अनुसार यह प्रक्रिया काफी अच्छी है। क्यों? इसलिए क्योंकि ना केवल इसमें आरक्षण की एक बेहतर गुंजाइश है बल्कि स्थानीय प्रथाओं और स्थितियों की स्पष्ट समझ रखने वाले युवाओं को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। और इसमें यह भी बात कही जा रही है कि सिविल सेवा के विपरीत न्यायिक व्यवस्था। क्यों? इसलिए क्योंकि न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायाधीशों को निर्णय लेने में न्यायिक कामकाज से जुड़े मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ होने की आवश्यकता पड़ती है और उनका व्यक्तिगत अनुभव ही न्यायिक निर्णय लेने में उनकी मदद करता है, जबकि सिविल सेवा में ऐसा नहीं होता है। सिविल सेवा में कोई भी चुना गया जो नया युवा होता है उसको अपने जो सीनियर होते हैं उसके अनुभवों के साथ काम करने का उन्हें मौका मिलता है, जबकि न्यायिक प्रक्रिया में ऐसा संभव नहीं होता है। वही अगर हम संवैधानिक व्यवस्था की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 312 जिसमें कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था, इसमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के निर्माण का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है और इसके अंतर्गत एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का भी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 312 के तहत यह प्रावधान है कि राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने की कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है और राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार दे सकती है। अब यहां पर अगर हम देखें तो संविधान इस बात को मानता है कि जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है इस प्रस्ताव को सफल बनाने के लिए राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका को नियंत्रित करने वाले नियमों को एक केंद्रीय कानून द्वारा प्रस्थापित करना होगा, मतलब एक कानून का निर्माण करना होगा जो केंद्र के द्वारा किया जाएगा। अब इसकी संभावना काफी कम है, वह इसलिए क्योंकि राज्य के स्तर पर जो न्यायिक सेवा की भर्ती निकाली जाती है उस राज्य का अपना एक अधिकार है, उसका अपना एक अधिकार है और वह उसके क्षेत्र में आता है। तो यह संभव नहीं है राज्य अपने इस शक्ति को केंद्र को दे दे। और वही आज के समय में जबकि केंद्र और राज्य के संबंध इतने तल्ख होते चले जा रहे हैं तो यह संभावना काफी कम है कि केंद्र और राज्य अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के विषय पर सहमत हो पाएंगे और राज्य अपनी इस शक्ति को छोड़ देगा। उसके अलावा
संपादकीय में यह बात भी कही जा रही है कि ऐसा लगता है कि न्यायाधीशों के लिए एक राष्ट्रीय सेवा युवा वकीलों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव होगा। अब इसके पीछे के जो तर्क है वो तर्क देखिए क्या क्या। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे देश में कानूनी शिक्षा में देशव्यापी एकरूपता का अभाव है। उसके अलावा जब भी कोई एडवोकेट या वकील इनरोल होता है तो ऐसा देखा जाता है कि अकादमिक प्रतिभा की बजाय, मतलब अगर हम देखें अकादमिक रूप से भले ही उनके परफॉर्मेंस एक्सलेंट हो, लेकिन उसके बावजूद भी व्यावहारिक अनुभव के आधार पर न्यायिक सेवा पर विचार वो ज्यादा करते हैं। मतलब यहां पर है कि प्रैक्टिकली जितने भी चीजें वो सीखते हैं वो उनके लिए ज्यादा अच्छा होता है, उनके करियर के लिए ज्यादा होता है। उसके अलावा जो टॉपर्स होते हैं लॉ स्कूल के, तो उसमें से कुछ विशिष्ट लॉ स्कूलों से वो होते हैं, और ये जो टॉपर्स होते हैं जो विशिष्ट लॉ स्कूल से होते हैं वो राष्ट्रीय न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा में उनके बैठने की संभावना काफी कम है। वह इसलिए कम है क्योंकि वो ऐसा देखते हैं कि मुकदमेबाजी का मामला हो या कानूनी फर्मों में शामिल होना हो या कॉर्पोरेट क्षेत्र में जाना हो, वो उनके करियर के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि उसमें उनको अच्छी खासी आय होती है और उनका जो पारिश्रमिक होता है वो काफी अच्छा होता है। तो उसकी तुलना में वो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए आवेदन करेंगे, इसकी संभावना काफी कम है। और यह भी देखा गया है कि अगर उच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले अगर हम जिला न्यायाधीशों की संख्या को देखें तो जो बार है, मतलब वकीलों की बार है, उसकी तुलना में वह संख्या काफी कम है। इसका मतलब यहां पर यह है कि जो वकीलों की अपनी एक संस्था है जो एक बार होते हैं उससे ज्यादा लोग चुनकर जाते हैं। और साथ ही साथ बात यहां पर यह है कि जब इतनी विपरीत परिस्थितियां यहां पर नजर आ रही है एक वकील के करियर की प्रगति के मामले में, तो फिर इसकी संभावना काफी कम लगती है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के प्रति वकील युवा वकीलों का वो रुझान होगा जैसा कि हम अपेक्षा करते हैं। इसलिए करियर की प्रगति पर निश्चितता की कमी भी राष्ट्रीय न्यायिक सेवा को अनाकर्षक बना सकती है। तो इस प्रकार आज के इस एडिटोरियल में हमने यह देखा कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जिसका प्रस्ताव अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति ने उन्होंने रखा है, तो इसके क्या पक्ष हो सकते हैं। तो इसके साथ ही इस एडिटोरियल को हम ये समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।